हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। पिछले ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आप लोगों को फाइनली बताया था, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज? फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज में क्या डिफरेंस होता है? आज मैं आप लोगों को ये टॉपिक डीपली एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैं टेबल क्रिएट कर देता हूँ। कौन कौन सी है? एक तो फाइनल, देन फाइनली एंड देन फाइनलाइज। ओके, तो ये तीन टर्म्स हैं जो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, देखो, फर्स्ट पॉइंट ये चीज़ ध्यान रखना, फाइनल, फाइनल क्या है? फाइनल इज द कीवर्ड। फर्स्ट पॉइंट, फाइनल क्या है? फाइनल इज द कीवर्ड। ओके, देन सेकंड पॉइंट, फाइनली, अगर मैं अकेला लिखता हूँ तो वो कीवर्ड है, वैसे फाइनली इज द कीवर्ड, बट फाइनली मैं अकेला कीवर्ड कभी यूज नहीं करता हूँ, मैं प्रॉपर उसको लिखता हूँ, तो ये अपने आप में क्या बन जाता है? ब्लॉक। तो फाइनली क्या है? फाइनली इज द ब्लॉक। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि फाइनली कीवर्ड के साथ हमेशा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस आएंगे, इसीलिए फाइनली ब्लॉक है। बट अगर अकेला मैं फाइनली बोलता हूँ तो डेट इज कीवर्ड। ओके, एंड देन फाइनलाइज, फाइनलाइज क्या है? फाइनलाइज इज द मेथड। क्लियर है पॉइंट? तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? फाइनल इज द कीवर्ड, फाइनली इज द ब्लॉक एंड फाइनलाइज इज द मेथड। ओके, देन सेकंड पॉइंट, फाइनल को हम लोग कहां कहां पर यूज करते हैं? देखो, फाइनल कीवर्ड कैन बी यूज विद किस किस के साथ यूज होता है? वेरिएबल के साथ भी यूज होता है, देन मेथड के साथ भी यूज हो सकता है, एंड देन क्लास के साथ भी यूज हो सकता है। तो मैं फाइनल वेरिएबल भी क्रिएट कर सकता हूँ, फाइनल मेथड भी क्रिएट कर सकता हूँ, एंड फाइनल क्लास भी क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, फाइनली, फाइनली किसके साथ यूज होता है? फाइनली इज यूज विद आइदर ट्राई और ट्राई कैच ब्लॉक। फाइनली जो है वो या तो ट्राई या फिर ट्राई कैच ब्लॉक के साथ यूज होता है। ओके, एंड फाइनलाइज, फाइनलाइज क्या होता है? मेथड है तो मेथड इज ओवरराइड फॉर एन ऑब्जेक्ट, मींस मैं फाइनलाइज मेथड को डायरेक्टली ओवरराइड कर सकता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मैं फाइनलाइज मेथड को ओवरराइड कर सकता हूँ। क्लियर है पॉइंट? और मेथड को हम लोग क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये थे सेकंड पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है। फाइनल को अब मैं वेरिएबल, अब मैं आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। वैसे फाइनल का मैंने पहले ट्यूटोरियल ऊप्स के अंदर काफी डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग एक बार वो वाला ट्यूटोरियल भी जरूर गो थ्रू कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, बट अभी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो, फाइनल अगर मैं यूज करता हूँ किसके साथ? वेरिएबल के साथ। तो हम लोग कैसे यूज करते हैं फाइनल? फॉर एग्जाम्पल, इंट ए इक्वल्स टू 10, तो ये क्या बन गया मैंने? फाइनल वेरिएबल। अब फाइनल वेरिएबल बनाने का क्या यूज होता है कि इसकी वैल्यू, वैल्यू बिकम्स कॉन्स्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं वैल्यू बिकम्स फिक्स, मीन्स ए की वैल्यू 10 ही रहेगी, ए की वैल्यू अब चेंज नहीं हो सकती। अगर मैं इस लाइन के बाद लिखता हूँ ए इक्वल्स टू ए प्लस 10 या फिर ए प्लस 20, मीन्स मैं ए की वैल्यू को चेंज करवाने की ट्राई करूंगा तो वो क्या करेगा? एरर शो करवा देगा। क्लियर है पॉइंट? तो हम लोग फाइनल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फाइनल वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। ओके, तो ये पॉइंट मैं नहीं लिख सकता। ओके, देन फाइनल मेथड, फाइनल मेथड मैं कैसे क्रिएट करता हूँ? सिंपल, फाइनल वॉइड फॉर एग्जाम्पल शो, तो ये देखो ये क्या हो गया, फाइनल मेथड मैंने क्रिएट कर दिया। अब फाइनल मेथड क्रिएट हम लोग क्यों करते हैं? फाइनल मेथड क्रिएट करने का यूज क्या होता है कि डज नॉट ओवरराइड, मींस मैं फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं करवा सकता। इसका क्या मतलब है, ये भी मैं आपको एक बेसिक नॉर्मल वे से बता देता हूँ। वैसे मैंने पहले के ट्यूटोरियल के अंदर मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट भी डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, देखो, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? कोई भी क्लास अगर मैं बनाता हूँ और इसके अंदर मैंने एक शो मेथड क्रिएट कर दिया, तो ये देखो, ये क्लास ए हो गई
और ये क्लास मैंने क्रिएट कर दिया बी, जो क्या कर रहा है एक ही प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करता है। और यहां पर मैं अगर लिखता हूं फॉर एग्जांपल void show, सेम नेम के दो मेथड मैंने क्रिएट कर दिए, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। सेम नेम के दो मेथड हैं बट डिफरेंट क्लासेस के अंदर, और वो क्या कर रहा है बी मींस चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज एक्सटेंड कर रहा है। ओके तो ये क्या होता है मेथड ओवरराइडिंग, मैं इस वाले मेथड को ओवरराइड करवा रहा हूं। ओके बट अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला मेथड मैं ओवरराइड ना करवा सकूं तो मैं क्या कर दूंगा इसके आगे फाइनल कीवर्ड का यूज कर दूंगा। तो फाइनल मेथड अगर मैं बना देता हूं तो मैं ये वाला कोड नहीं लिख सकता, ये वाला कोड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है पॉइंट? तो फाइनल मेथड क्या होते हैं जो ओवरराइड नहीं हो सकते। देन थर्ड वन इज फाइनल क्लास। फाइनल क्लास कैसे क्रिएट होती है, फाइनल क्लास सिंपल क्रिएट हो जाती है, फाइनल कीवर्ड का यूज करेंगे, देन क्लास नेम, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल क्लास हो गई। तो फाइनल क्लास हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं, फाइनल क्लास मैं तब क्रिएट करता हूं जब मैं चाहता हूं कि कोई भी दूसरी क्लास इस क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट ना करे। तो अगर मैं यहां पर इस क्लास को फॉर एग्जांपल फाइनल क्रिएट कर देता हूं तो मैं ये वाला पार्ट नहीं लिख सकता, दैट मीन्स के फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिट, फाइनल क्लास को मैं इनहेरिट नहीं कर सकता। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर मैं लिख देता हूं फाइनल क्लास डज नॉट इनहेरिट, फाइनल क्लास को मैं इनहेरिट नहीं कर सकता। क्लियर है पॉइंट? सो आई होप फाइनल वेरिएबल, फाइनल मेथड एंड फाइनल क्लास के बारे में आप लोगों को डीपली पता चल गया होगा। ओके ये टॉपिक मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत डीपली, आप लोग एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हो। ओके अब हम लोग आते हैं फाइनली ब्लॉक के अंदर। देखो फाइनली ब्लॉक को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं, मैंने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर बताया था, या तो मैं क्या करवा सकता हूं डायरेक्टली ट्राई के बाद फाइनली ब्लॉक का यूज कर सकता हूं। ओके या फिर मैं क्या काम कर सकता हूं ट्राई के बाद मैं पहले लगा देता हूं कैच ब्लॉक ताकि मेरी एक्सेप्शन हैंडल हो जाए, एंड फिर मैं यहां पर लगा सकता हूं फाइनली ब्लॉक। तो फाइनली ब्लॉक जो है वो ट्राई के बाद या फिर ट्राई कैच ब्लॉक के बाद यूज होता है। ओके अब फाइनली ब्लॉक का यूज क्या होता है, फाइनली ब्लॉक क्लीनअप कोड प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। अगर मेरा कोई भी रिसोर्स ऊपर ओपन किया है तो मैं उस रिसोर्स को क्लोज किसके अंदर करवा सकता हूं, फाइनली ब्लॉक के अंदर करवा सकता हूं। तो फाइनली ब्लॉक इज यूज्ड टू क्लोज द रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स जैसे फाइल ओपन की है तो उसको क्लोज करवाना है, डेटाबेस कनेक्शन मैंने ओपन किया है तो उसको क्लोज करवाना है, मेमोरी रिलीजिंग कोड है वो मैं फाइनली ब्लॉक के अंदर लिख सकता हूं। तो क्लीनअप कोड फाइनली के अंदर मैं किस टाइप का कोड लिखता हूं, क्लीनअप कोड प्रोवाइड करता हूं। क्लियर है पॉइंट? तो ये था फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक मैंने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग एक बार वो ट्यूटोरियल भी गो थ्रू कर लेना। ओके एंड देन लास्ट इज फाइनलाइज। तो फाइनलाइज का सिंटेक्स क्या होता है, प्रोटेक्टेड void finalize throws throwable exception भी ये throw करता है, तो हम लोग throws कीवर्ड का यूज करते हैं। तो finalize मेथड का सिंटेक्स क्या होता है, प्रोटेक्टेड void finalize throws throwable। क्लियर है पॉइंट? और इस वाले मेथड को मैं ओवरराइड कर सकता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप ओवरराइड करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनलाइज मेथड मैं आप लोगों को आगे के ट्यूटोरियल्स के अंदर डीपली एक्सप्लेन करूंगा। ओके बट फाइनलाइज मेथड होता क्या है, फाइनलाइज मेथड एक ऐसा मेथड है जो गार्बेज कलेक्शन से ठीक पहले एग्जीक्यूट होता है। तो जो ऑब्जेक्ट मेरा डिलीट होने वाला है तो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई रिसोर्स ओपन है तो वो रिसोर्स क्लोज करवाने वाला कोड मैं किसके अंदर लिखता हूं, फाइनलाइज मेथड के अंदर। तो फाइनलाइज मेथड के अंदर भी मैं क्या लिखता हूं, क्लीनअप कोड ही प्रोवाइड करता हूं। बट फाइनलाइज मेथड कब एग्जीक्यूट होता है, गार्बेज कलेक्शन से ठीक पहले। फाइनलाइज मेथड इज एग्जीक्यूटेड जस्ट प्रायर टू द गार्बेज कलेक्शन, मींस जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, डिलीट होने वाले हैं मेमोरी से, उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई रिसोर्स है
जो ओपन है मैं उसको क्या करवाता हूँ, उस रिसोर्स को मैं क्लोज करवाता हूँ, किसके अंदर, फाइनलाइज मेथड के अंदर। ओके सो ये डिफरेंस आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा, फाइनल कीवर्ड है और फाइनल वेरिएबल मेथड एंड क्लास के साथ यूज होता है, ये इसके यूजेस है। देन फाइनली क्या है, ब्लॉक है और फाइनली ब्लॉक ट्राई या फिर ट्राई कैच के साथ यूज होता है। ओके एंड देन फाइनलाइज मेथड है जो गार्बेज कलेक्शन से ठीक पहले एग्जीक्यूट होता है और जो क्लीनअप कोड प्रोवाइड करवाने के लिए ओवरराइड किया जाता है। फाइनलाइज मेथड को हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं। ओके फाइनलाइज मेथड का ट्यूटोरियल मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, बहुत डीपली एक्सप्लेन करूंगा। ओके सो आई होप आज आप लोगों को फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज में डिफरेंस पता चल गया होगा। ये इंटरव्यू और एग्जाम्स के अंदर पूछने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके सो आई होप आज आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है आप लोगों के इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू।